पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए गाड़ियों के ऊपर एक विशेष रूप में जो स्टिकर लगे रहते हैं उनको हटाने का आदेश दिया है। क्या है ये आदेश, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के इस न्यूज़कास्ट के प्रोग्राम में। इसके साथ ही कर्नाटका की तरफ से डिमांड उठी है कि जैसे गुजरात के अंदर जो RTO चेक पोस्ट है उनको हटा दिया गया है, वैसे ही कर्नाटका के अंदर भी हटा देने चाहिए। और इसके साथ ही तीसरी खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो ओला उबर जैसी कंपनीज हैं वो अपने ड्राइवर्स को कैसे एक्सप्लॉयट करती हैं, उनकी तरफ की जो स्टोरी है वो नहीं सुनती हैं और उनके साथ वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज़कास्ट का ये खास प्रोग्राम। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़कास्ट। न्यूज़कास्ट में सबसे पहली खबर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, जहां पर बीते दिनों एक डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया है। जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस अमोल रतन सिंह जी ने उन्होंने ये कहा है कि अक्सर हम देखते हैं दो पहिया वाहन हो या कारें हो खास करके, उनके ऊपर कुछ लिखा रहता है, एक स्टिकर जो गाड़ी मालिक होता है वो लगा लेता है, जैसे हाई कोर्ट लिख लेते हैं, पुलिस लिख लेते हैं, एडवोकेट, आर्मी, प्रेस तो बहुत ही कॉमन है, जर्नलिस्ट लिख लेते हैं, तो या फिर उसके अलावा कास्ट अपनी वहां पर लिख देते हैं कुछ भी, तो उस पर बैन कर दिया गया है कम्प्लीटली फौरी तौर पर। 24 जनवरी को ये जजमेंट दी थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो अगर कोई भी ट्राई सिटी के अंदर, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के अंदर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है जिसके ऊपर ऐसे नाम लिखे रहते हैं तो उनका एक बड़ा चालान किया जाएगा। और जैसे ही इस डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया, फौरी तौर पर पूरे ट्राई सिटी में इमीडिएटली लोगों ने ऐसे जो स्टिकर थे अपनी गाड़ियों से उतारने शुरू कर दिए। जिन्होंने नहीं उतारे उनके चालान भी किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि जज साहब ने खुद ही आदेश दिए कि अगर मेरी गाड़ी पर ही कोई ऐसा लगा हो स्टिकर तो उसे उतारा जाए। असल में इस आदेश के अंदर डिवीजन बेंच ने यह कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो प्रेस, हाई कोर्ट, पुलिस ऐसा अपनी गाड़ी के ऊपर लिखते हैं, तो असल में उनका मकसद ये होता है एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी उनकी गाड़ी को रोकता है। तो एक तरीके से ब्रो बीटिंग का उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया कि उनको डराने की कोशिश होती है असल में, तो ये गलत है। इसलिए ऐसा किसी भी वाहन के ऊपर लिखा नहीं जाना चाहिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप बाहर के भी हैं चंडीगढ़ के, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला से बाहर आपकी गाड़ी रजिस्टर है लेकिन आप ट्राई सिटी के अंदर आते हैं तो आपके वाहन के ऊपर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे आदेश कई अन्य राज्यों के अंदर भी जो है वो जारी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर भारत सरकार ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दे और पूरे देश में एक साथ ये नियम जो है वो लागू हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव होगा। दूसरी बड़ी खबर है कर्नाटका से। वहाँ पर जो फेडरेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट लॉरी ओनर्स एंड एजेंट एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट श्री GR शनमगप्पा जो कि AMTC के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक डिमांड की है। उनका कहना है कि फौरी तौर पर जो कर्नाटका की बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनको हटा देना चाहिए। हाल ही में आपको पता होगा कि गुजरात के जो बॉर्डर चेक पोस्ट थी उन्हें हटा लिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है पूरा सिस्टम। तो उसी तर्ज पर इनकी डिमांड है कि जैसे गुजरात में किया गया वैसे ही कर्नाटका के अंदर भी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जो कर्नाटका का बॉर्डर है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, चार राज्यों के साथ इनकी जो बॉर्डर है वो सटता है और वहाँ पर जो है बॉर्डर चेक पोस्ट बनी हुई है। तो GR शनमगप्पा जी ने ये भी बताया कि कुल 100 करोड़ रुपए की वहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्शन होती है सरकार को, जो कि ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकती है। बल्कि उल्टा अभी क्या है कि 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए शायद उतने ही पैसे वहाँ पर खर्च कर दिए जाते हैं, क्योंकि हर चेक पोस्ट के ऊपर 5-5 तो ऑफिसर मौजूद रहते हैं, वो भी 24/7। इसके अलावा और भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो उनका खर्चा भी तो होता है। क्या फ़ायदा है ऐसे पैसा वसूलने का जिसके ऊपर आपने उतना ही खर्चा कर दिया। लेकिन असली वजह हम सब जानते हैं कि क्यों ये चेक पोस्ट बनाई जाती है और क्यों 5-5 ऑफिसर बॉर्डर चेक पोस्ट पर खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 300 रुपये की कम से कम एंट्री ली जाती है कर्नाटका में जब भी आप दाखिल होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका सरकार ये जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी मांग को मानेगी और ये जो RTO चेक पोस्ट है वहाँ से हटेंगी। तीसरी खबर है दिल्ली से। ये ओला ड्राइवर हैं, GR Lal इनका नाम है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी के मालिक हैं। हर रोज़ 10 से 15 घंटे ये गाड़ी चलाते हैं तो जाके 700 से लेकर 1100 की इनकी आमदन वहाँ से होती है। लेकिन उनका ये कहना था कि हम पूरी तरह से जो ओला उबर कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर निर्भर हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, अपना पक्ष भी नहीं रख पाते। उन्होंने एक एग्जांपल दी कि हाल ही में द्वारका में उनकी गाड़ी थी और उनको भारत विहार जगह है वहाँ से पास में है, 3 किलोमीटर लगभग है, वहाँ पर गाड़ी को बुलाया गया। वहाँ से पैसेंजर्स ने, 3 लोगों ने कहीं और जाना था,
तो गाड़ी लेकर वो टाइम से वहां पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठने लगे तो इन्हें पता चला कि उनके पास शराब की पूरी पेटी है एक। तो इन्होंने फौरी तौर पर, जियालाल ने उनको मना कर दिया कि आप शराब की पेटी लेकर मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, आगे कोई दिक्कत हो गई तो फंसूंगा मैं, इस वजह से मैं आपको नहीं ले जा सकता। ऐसा बोलने पर उन्होंने गाली गलौज किया, लेकिन जब ये नहीं माने, ओनर जो थे गाड़ी के, ओनर भी हैं ड्राइवर भी हैं, तो उन्होंने कस्टमर ने क्या किया, जो तीन लोग थे उन्होंने इनकी राइड कैंसिल कर दी और साथ में ड्राइवर के लिए ही गलत फीडबैक वहां पर दी गई कि ड्राइवर ने बदतमीजी की और हमें वो नहीं लेकर जा रहा है जहां पर हमें जाना था। तो इससे होता क्या है, अगर आप ओला उबर यूज़ करते हैं, ड्राइवर रहे हैं, ओनर हैं, तो आपको पता होगा उसमें रेटिंग कम हो जाती है ड्राइवर की, आगे जो आने वाली सवारी है उसको थोड़ी कम मिलने लगती है, उनको लगता है कि ये ड्राइवर अच्छा नहीं है, पहले भी उसने ऐसा किया है, तो उससे नुकसान होता है। तो इस केस के अंदर जियालाल को काफ़ी दुख हुआ जब ऐसा हुआ, उसकी रेटिंग कम की गई, तो उसने फ़ोन किया कंपनी में कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, मैं इलीगल काम कैसे करवाऊँ अपनी कैब के अंदर। तो बड़ा अजीब जवाब ओला की कस्टमर केयर ने उनको दिया कि आपको तभी बताना चाहिए था जब ये इंसिडेंट हो रहा था। तो आपको यह भी बता दें कि जियालाल का कहना था कि सिर्फ 5 मिनट बाद ही उन्होंने कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी थी, लेकिन कंपनी का कहना यह है कि जब लड़ाई हो रही थी तभी हमें फोन करना चाहिए था। तो जियालाल का कहना यह था कि शराब उन लोगों ने पी रखी थी, तीन जने वो थे, मैं अगर उनके सामने ही झगड़ा करता तो हो सकता है वो मेरी पिटाई भी कर देते, लेकिन कंपनी ने कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग भी भेजी है जो उनकी कस्टमर केयर के साथ बातचीत हुई। अभी आपके बीच में कस्टमर के बीच में क्या बात हुई होगी हमें तो नहीं मालूम। अभी आपको जब आपको मालूम नहीं है तो फिर मेरे पे डीडी क्यों आ गई? क्योंकि कैंसिल हुई है आपकी कैब। कैंसिल हुई है? मेरे गाड़ी में 9 पेटी खराब लाद रहा था वो, मैंने मना कर दिया लादने के लिए तो उसने ड्राइवर डिनाइड करके कैंसिल कर दिया। अब बताइए आप करेंगे क्या इसका? अगर कस्टमर ने गलत की, मैं गलती करता हूँ तो मैं रुकूंगा। अब कस्टमर ने गलती की है, अब कस्टमर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, गलत कर रहा था, शराब की पेटियां लादने का क्या मतलब था मेरी गाड़ी में, इसके लिए आप क्या करेंगे? जी आपकी बात सही है, देखिए ऐसा कुछ है तो आप हमें तभी के तभी कॉल करते, हम तभी बात कर लेते कस्टमर से। तो आप कंप्लेंट नोट करो ना, आप वहां से मेंशन करो कंप्लेंट, आगे फॉरवर्ड करो। लेकिन अभी कस्टमर चले गए ना, अगर हम कोई गलती करते हैं 15 दिन बाद भी आप हमें बुला लेते हो ऑफिस, वो गलती कर रहे हैं क्यों नहीं बुला रहे हो आप उसको, उससे बात क्यों नहीं कर सकते हो आप? जी बिल्कुल, तो आपको बताया हुआ ना जियालाल जी, क्योंकि आपने तभी हमें कॉल नहीं किया, तभी हम कॉल करते तो हम कुछ कर सकते थे। अभी आप मैं वहाँ पे बिना मैं वहाँ पे कॉल, वो जो बंदे बैठे हुए हैं, चार खड़े हुए हैं, वो मुझे कॉल करने देंगे जो शराब लेके जाने के लिए जा रहे हैं? मैं उस टाइम अगर कॉल करूंगा तो मारेंगे भी वो। कैंसिल चाहे आप खुद करो, कोई भी रीजन हो, कैंसिल चाहे कस्टमर कोई करे, कोई भी रीजन हो, डीडीडी आपको लगनी है। आपकी नजर में ड्राइवर आपको हमेशा आपने झुका के रखा है, गुलाम बना के रखा है, बलि का बकरा बना के रखा है। कोई इसको जान ले लेता है, कोई इसकी गाड़ी छीन के भी आ जाता है, कोई मार देता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ अपनी कंपनी चलानी है, आपको अपने पैसे कमाने हैं, आपको अपने कस्टमर बनाने हैं। लेकिन बड़ी हैरानी हमें हुई ये बात सुन के, अच्छी बात है कि जो कंपनी है वो अपने ग्राहकों का इतना ध्यान रखती है, उनकी बात सुनती है, लेकिन ड्राइवरों की बात भी सुननी चाहिए, गाड़ी मालिकों की बात भी सुननी चाहिए। अगर उनकी गाड़ियां आपके साथ लगी हैं तभी आप लाखों लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपनीज को ये पता चल गया है कि अब ड्राइवरों की, गाड़ी मालिकों की मजबूरी बन गई है उनके साथ गाड़ियाँ अटैच करने की, तो जो चाहे उनकी पॉलिसीज वो बनाते हैं और लागू करते हैं, और ड्राइवर उस केस में जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो न्यूज़कास्ट के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं अगर अभी तक आपने नहीं दबाई है, तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।